कैंटीन जा रहे हैं, कैंटीन से नई गाड़ी निकलवा लेते हैं और अभी हम सामान लेकर आ गए हैं। अच्छा है कैंटीन दूसरी बार बारिश आया है दुकान पे पानी पीने के लिए। और दोस्तों आपका है मेरी एक और नई वीडियो में और तुम्हारा भाई इस टाइम खाना खाने खा रहा है और चलो ठीक है तो भी खाना खाते हैं और आप लोगों का सब जैसे जैसे स्वागत करता हूँ कार्तिक के कलेश में। और आज का कलेश ये है कि मैं खाना बना रहा हूँ, मेरी मम्मी ने कुछ ज़्यादा ही बाप लगा दी, सारा दलिया यहीं गिरा दिया। देखो ऐसे बनता है खाना, ऐसे ऐसे बनता है। देखो ये तो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना, सारा दलिया यहीं पर फेंक रखा मम्मी ने। ये अमीर ही नहीं है भाई, बस 26-27 साल हो गए हमारे साथ ऐसे अलग थे घर। मम्मी भी 18-17 साल की एज में आ गई थी मम्मी शादी करके, तब भी देखो ऐसे ऐसे कारनामे। देखो आज तक इतने ढंग से करना नहीं आ रहा। देखो वो तो अलग रह रहे हैं अपनी सास के आगे करती, तो फिर वो क्या करती पता नहीं क्या करती, फिर बोलती घर से ये सिक्कर आई है, ये सिक्कर आई घर से, इस उम्र में भी ऐसे काम कर रही है, दलिया दलिया गिरा रही है, दलिया दलिया नहीं खिलाना तो मना कर देती, हम आगे क्या कर रही है, जबरदस्ती फोड़ रही है। एक ऐसी चलाती सास इनकी, हाँ बोल देना देख भी लेगी वीडियो मेरी दादी, बोलेंगे बेटा आप तो इस उम्र में रही नहीं, इस हाल में रही नहीं कि मैं चला सकूं। तो चलो कोई नहीं दोस्तों, हम खाना खाते हैं और निकलते हैं फिर अपने और काम के लिए। तो देखते रहिए मेरी वीडियोस एंड तक और देखते रहिए मेरे कार्तिक के कलेश, और कलेश में आपको आज बहुत चीज़ें दिखेंगी। चलो रेडी रहो, रेडी रहना। अब आ रही है आज हेलमेट की, जब बोल रहा था हेलमेट पहन लो, जब नहीं आ रही थी आ ले लो, देर से लगा था हेलमेट पहन लो, हेलमेट पहन लो, हेलमेट से मतलब रखो, एक तो डर लग रहा है आपके। सरदार जी खड़े आगे, हेलमेट के ऊपर की शीशा उड़ गया। और अभी हम कहाँ पहुँच गए, आर्मी के कैंट के अंदर है ना, तो हेलमेट उड़ गया, हेलमेट है सही जगह है। हाँ ट्रक कितने सारे ट्रक है, ये कौन से ट्रक है मामा, बाहर से आ रखी क्या चीज़ है ये ट्रक जो है, जो रोड बनाने वाले ट्रक है, कैसे ट्रक है, मैंने देखे वो ट्रक नहीं है, थोड़े अजीब तरह से जो बना रहे थे। आपको पहले होश नहीं है कि आपको कैंटीन जाना है, तो मैं पहले आ जाऊँ जल्दी घर से, इसको आपको क्या हो गया मामा, आराम को आप बस में आए ना, घर आराम से आ जाते हैं, बस में आए, अच्छा प्लेन में आए, यहाँ पर दिल्ली ट्रेन से आए, और यहाँ पर घर पे इससे आए पहुँच गए। अब हम कहाँ पहुँच गए, ज़्यादा नाम तो होगा वो, ये आर्मी एरिया बहुत साफ रखते यार ये लोग, ये अच्छा ना, ये बाहर का बहुत बेकार है यहाँ, ग्राउंड इतने बड़े ग्राउंड है ना, ये चीज़ सही लगती है मेरे को, इतने बड़े ग्राउंड ग्राउंड है, बाहर की साइड तो कोई ग्राउंड नहीं है। अब आप सही चला रहे हो तो मुझे डर नहीं लग रहा, यहाँ पर जगह देते खाली स्पीड तेज कर रहे हैं, तो ऐसा डर लग रहा है कि सीधा घुस में जाएगा, सब में आधा किलोमीटर तो पहुँच ही जाएगी, आधा किलोमीटर क्या अंदर, अंदर तो कम से कम 10 किलोमीटर है। ये धक-धक में तो अभी पहले चेक करूँगा, देखूँगा कैसा है धक-धक, तो उसके बाद पता चल जाएगा कि ब्लिंक कर रही है तो पहुँच ही जाएगी नहीं पहुँच जाएगी, वो देख के पता चलेगा ना। तेल गाड़ी में है नहीं, तो कंगाल की तरह गाड़ी रखी है, कंगाल की तरह क्या निकल गई, परसों 2 दिन पहले भरवाया था 200 रुपये का पापा ने। कहाँ से जाएंगे कैंटीन में, तब तक तो गाड़ी का तेल भराने जाना पड़ेगा, तब तक तो बच जाएगा। अरे मामा पहले पूछो तो सही, कैंटीन सब कुछ हो जाएगा, कैंटीन अंदर है, वहाँ अंदर जा रहा है। तो यहाँ पेट्रोल पंप कहाँ है, यहाँ पेट्रोल पंप गोपीनाथ जाना पड़ेगा ना, एक बार मेरे को चेक करने दो पेट्रोल कितना है उसके अंदर, फिर हम पहुँच जाएंगे, पहुँच जाएंगे वो देख लेते हैं। इसमें क्या देखेगा, मैं आपको सिखा नहीं रहा, बस ये है कि आपका हाथ वो थोड़ा वैसा है ना कच्चा, मेरे को इसलिए लेट हो जाएंगे ना, कैंटीन बंद हो जाएगी, फिर सामान नहीं मिलेगा, हाँ 2 घंटे कौन बैठेगा वहाँ पर, इसलिए कह रहा हूँ मैं जल्दी ले जाता हूँ, आते टाइम आप ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीछे का ब्रेक है, अरे ब्रेक सब पता है आपको, आप मेरे से ज़्यादा जानते हो, तजुर्बा आपके पास मेरे से ज़्यादा है, उस चीज़ का मना नहीं कर रहा मैं, अच्छी बात है वो पता है, तो आराम आराम से होगी। चलो से येलो लाइट है ना अभी, तो आपके हाथ में नहीं है ना गाड़ी, आप रोज ही चलाते इसलिए आपको लग रहा है कि खराब है,
मैं रोज चलाता हूँ, मेरे को पता है कि सही है वो। रेस देने से कुछ नहीं हो, गियर भी चलाना होता है पहले। गियर तो लास्ट है, चौथे गियर पे क्या? तभी तो बग रही है इतनी, ऐसे थोड़ा बग जाती है चौथे गियर पे इतनी जोर जोर। देखो 20 की स्पीड में चल रही थी, जोर कम चलती है, इतना खतरनाक माइलेज तो कोई नहीं देती मेरी गाड़ी दे रही है। हॉर्न भी है इसमें, जोर की दबाओ उसको, हल्का हल्का नहीं। हाँ चलाना कन्हैया, बेइज्जती मार रहे हैं, गाड़ी तुम्हारी ऐसी है, ये है वो है, सब कुछ है, जोर की दबाना। ये स्क्रीन टच नहीं है कि खाली एक बार दबाया हो गया, मैनुअल है मैनुअल। हाँ ट्रक का हॉर्न टच करने वाला वो नहीं है इसमें, ऑटोमेटिक नहीं है मैनुअल है, हाथ से दबाना पड़ता जोर की तभी चल के चलता है। और देर से बेइज्जती मारो गाड़ी की, ये बुढ़े गाड़ी में जा रहे हैं, मेरी वाली बाइक पे जा रहे हैं। जिंदगी में कलेश खत्म नहीं होते हैं, पेट्रोल हर टाइम में पेट्रोल खत्म हो जाता है, मुझे धक्के मारने पड़ते हैं, मेरे साथ यही रहता है हमेशा का। इसलिए तो मेरे को लेकर आया यहाँ पर कि धक्के मारेगा तू, उतर कलच छोड़ो ना आगे जाएगी वो रेस, दो इसके लिए उतरना पड़ेगा। पेट्रोल भरवा लिया हमने, अब हवा भरवा रहे हो। एक काम करते हैं, पेट्रोल पेट्रोल भी डलवा लिया, नई गाड़ी खरीद लेते हैं, ठीक है। कैंटीन जा रहे, कैंटीन से नई गाड़ी निकलवा लेते हैं, बड़ी वाली कैंटीन में। मामा जब भी आपको आना होगा बता देना, मैं सर्विस करके रख दूंगा उसकी। करते हैं ला रहे बोल नहीं रहे, और आगे करो। हमें आपने कहाँ शिफ्ट खरीद रखी, ये खरीद लो सामने जो चल रही है, ये खरीद लो सामने चल रही थार। कहाँ शिफ्ट शिफ्ट खरीद रखी है आपने, क्या बोल रहे हो? गांव में रहते हैं, गांव में चलाओगे, ऑफ रोडिंग करना, ऑफ रोडिंग करने इतना मज़ा आता है, 4x4 व्हील हो ऐसे चलाओ उसको, ऐसा लग रहा है कि भाई पहाड़ों में चल रहे हो। क्या धन्यवाद, लगता ही नहीं है। अरे गाड़ी में ही बैठे तो ऐसे लोग, हाँ भाई अब हवा में है, आसमान में, उड़ानी थोड़ी ना है, उड़ानी थोड़ी ना है, ये हवा में बिल्कुल ही उड़ा दो, खाए के अंदर ही नॉर्मल चलाओ, ऐसे ऑफ रोडिंग करो, पत्थरों के बीच में चलाओ गाड़ी को, चलाओ पत्थरों के बीच में, मजा आएगा गाड़ी को चलाने में। ये नहीं, ये गाड़ी बनी उसी लिए, नहीं ये गाड़ी बनी उसी के लिए, उसी के लिए। मैंने बोला था घर चले जाओ, घर पे ले लेने हेलमेट, घर चलते हैं हेलमेट लेते फिर चलते हैं कैंटीन। आपने कहा नहीं नहीं दिला रहे हो, एक तो दिला रहे हो, दिल नहीं दिला रहे ना, एक टाटा मोटर्स नहीं दिलाना तेरे को, तू जरा पहले एक गाड़ी नहीं दिला सकते 4x4, क्या मामा आप भी ना गाड़ी ले लो तो दिलाओ, चलो रजिस्टर करवा दो मेरे नाम पे, चलो चलिए चलो मामा। कैंटीन से सामान ले लिया, चलो घर के लिए, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही आपसे, क्या हुआ? आप आगे टायर से उछाल मत देना, हाँ भाई पता चले मैं, आप तो कुछ नहीं, मैं पड़ जाऊँ पीछे ही, हेलमेट भी काम नहीं आएगा फिर तो। क्या कह रहे हो? एयरपोर्ट म्यूजियम आ जाएगा ना, एयरपोर्ट म्यूजियम घर में खाएंगे और कहाँ खाएंगे यार, बनाया क्यों नहीं बनाया यार मामा, पागल वाली बात कर रहे यार आप भी। अरे नहीं मैं बोलता हूँ फोन करके, रुक जाओ टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो, सामान लेकर आ गए हैं, दोबारा जा रहे हैं कैंटीन, दूसरी बड़ी वाली कैंटीन जा रहे हैं, वहाँ से भी देखेंगे क्या सामान लेना है। कुछ नहीं होने वाला है, वीडियो बना के।
ऐसे मम्मी बेइज्जती मारती है और मामा भी बेइज्जती मार रहे हैं और पापा तो मारते हैं यार। एक दिन बहुत बड़ फ्लॉगर बन जाओ भाई, ठीक है? हाँ, बढ़ जाओ लो एक दिन। कुछ नहीं हो सकता, चलते चलते। क्योंकि थकान इतनी हो गई ना, सामान उठा उठा के थकान इतनी हो गई। कितनी देर बाद, एक आधा घंटा तुमने यही लगा दिया। कपड़े लेने भी चलो वीडियो 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 घर चलते हैं सीधा। जस्ट भाई फ्री होके ना निकला है अपने माँ बाप के भतीजे को लेकर, पर रिलेशन कुछ अजीब ही है, लोगों को नहीं पता क्या रिलेशन है। बस अब तुम्हारा भाई निकला है और जब जा ही रहा हूँ मैं पालम पालम फ्लावर के नीचे खड़ा हूँ लड़का, उससे उसको लेकर सीधा घर जाना भी। जल्दी जल्दी इसको पिकअप करते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। कैंटीन से सारा काम हो गया है। कैंटीन की वीडियो मैं इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि यार वहाँ पर ना थोड़े रेस्ट्रिक्शन है, आर्मी वाले कभी भी अपनी जगह की वीडियो बना नहीं दे रहे, इसलिए मैं वीडियो बनाई बना था, तो पक्का आपको बताना जरूर यार, ठीक है? चलो मैं लेकर आता हूँ उसे। अब वो लड़का मिलेगा मेरे को दोस्तों फ्लाईओवर के पास आ गया। फ्लाईओवर इस टाइम पर, इस टाइम ना रनिंग करने आता था यहाँ पर, अब बंद हो चुका है मेरी सारी रनिंग रनिंग सब बंद हो गई है। किस टाइम आर्मी की तैयारी करता था जब आता था। अब मेरे को दिखता हूँ, देखता हूँ कहाँ पर है, ठीक है? उसके बाद गया भाई ये लड़का। चलो भाई इसको लेते हो चलते घर। जस्ट मैं भी, तुम्हारा भाई आया है दुकान पे पानी भरने के लिए और सामान भिगोने के लिए। तो तुम्हारे भाई ने वहाँ पानी की पाइप लगा रखा है और वहाँ जो कुकर में वो सामान भिगो दिया है और अब जाएंगे घर के लिए, ठीक है? टाइम देख लो तुम्हारे भाई का, टाइम क्या हो रहा है यहाँ पर आज, अभी 7:30 बज रहे हैं। तो तुम्हारा भाई भी घर पहुँचे, घर पहुँच के देखते हैं कुछ प्रोग्राम होगा बाहर जाने का, ठीक है? अदरवाइज घर पर भी कुछ होगा। मामा आ रखे ना, बहुत बातें सुनाते हैं, बहुत ध्यान देते रहते हैं मामा, ये करो वो करो वो करो ये करो। चलो कोई नहीं, उनका काम है ध्यान देने का और हमारा क्या है ध्यान लेने का। चलो चलते फिर घर के लिए। आज रात का प्लान कैंसिल हो गया है और अभी कुछ नहीं है, अभी खाना बन रहा है यहाँ पर, देख लो आलू और क्या है ये आलू का साग है और वहाँ मम्मी रोटी बना रही है, यहाँ मैं रायता बना रहा हूँ, दही का रायता बन रहा है यहाँ पर, ये बूंदी रखी हुई है और हो चुका है, प्याज भी काट दिया है यहाँ पे, प्याज भी है और देखो यहाँ पर रखा हुआ है सारा सामान, इसमें दाल है जो अभी खाएंगे अपन लोग और यहाँ रोटी बन रही है, ठीक है? चलो जल्दी जल्दी कर लेते काम, उसके बाद मिलते दोबारा आपसे।